Hello friends, welcome to EduPathor. Now, in last video, we solved numericals of motion in one dimension. Now, today we will be solving the remaining part of this exercise. So, without wasting time, let's start. Now, question number 9. Question number 8 तक हम लोगों ने last video में complete कर लिया था. So, 9 is what? A car travels a distance of 100 meter. As I said earlier that first, write down the given data. So, the distance is what? 100 meters. So, S is what? 100 meter. With a constant acceleration and the average velocity of 20 meter per second. Means what? Initially, it was moving with a velocity of 20 meter per second. The final velocity acquired by the car is 25 meter per second. So, final velocity is what? 25 meter per second. Find the initial velocity and the acceleration of the car. So initial velocity is given, weight, so displacement 100 meter, velocity 20 meter per second, and this is 25 meters per second, and this is what initial velocity, initial velocity nikalna hai, and this 20 meter per second is what, it is an average velocity. To ye kya ho jayega, tumhara average velocity ho jayegi. Means what? Overall distance usne kis velocity se travel kiya tha? So that is 20 meter per second. So initial velocity nikalna hai, and then we have to find out the acceleration. Now see, we have this average velocity. Average velocity ka formula kya hota hai? See, average velocity is what? Total displacement upon time. So displacement kitna diya hai? 100. Aur time hum log ko t le liya hum log ne. So average velocity is 20. So 20 is equal to 100 by t. So t is equal to what? 5 सेकेंड. मतलब उसकी जो जर्नी है वो कितनी है? वो 5 सेकेंड की उसकी जर्नी है. नाउ वी वांट इनिशियल वेलोसिटी. सो हियर वी हैव तीन फॉर्मूले है अपने पास. v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज व्हाट? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट सी दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला. इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. बट इन ऑल थ्री केसेस वी नीड एक्सेलरेशन. हम लोगों को क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए, जो एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है. सो वी विल यूज टू फॉर्मूलाज. दो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और उसका इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे उसको. सो वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज कर लेते हैं हम लोग. वी में फाइनल वेलोसिटी हम लोगों को पता है, दैट इज 25. यू अननोन, ए नहीं मालूम, टी क्या है अपना, टी हम लोग जस्ट कैलकुलेट किया 5. सो यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी? दैट विल बी 25 माइनस यू अपॉन 5. ये हो गया अपना एक्सेलरेशन. एंड नाउ वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला. वी कैन यूज अनदर फॉर्मूला वेयर वी कैन सब्सटीट्यूट दिस ए. सो इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर दो, उसमें हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. सो लेट्स से सेकेंड वाला यूज कर लिया हम लोग ने, एस इज इक्वल टू यू टी. थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं हम लोग. ए टी स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट दिया है 100, इनिशियल वेलोसिटी अननोन है, टाइम 5 सेकेंड निकाला था. सो 5 इंटू यू प्लस हाफ, एक्सेलरेशन निकाला हम लोग ने 25 माइनस यू अपॉन 5 इंटू टी स्क्वायर. एंड नाउ इसको सॉल्व करो. सो 2 शिफ्ट करना है, सो मल्टीप्लाई कर दो. सो 200, दिस इज 10 यू, एंड दिस विल बी, सी 25 का स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 5 25 माइनस यू आ जाएगा. ब्रैकेट ओपन करो. सो 200 इज इक्वल टू 10 यू प्लस 125 माइनस 5 यू. इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, सो दैट विल बी 75. 75 इज इक्वल टू 5 यू. सो यू इज इक्वल टू 75 बाय 5. सो यू इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. सो इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट? 15 मीटर पर सेकेंड. एंड नाउ यू कैन कैलकुलेट एक्सेलरेशन. फॉर्मूला हम लोग ने निकाला ही है, 25 माइनस यू अपॉन 5. सो 25 माइनस 15 बाय 5, सो दैट इज 10 बाय 5. 10 बाय 5 इज व्हाट? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट अवर एक्सेलरेशन. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, एक फॉर्मूला से हम लोग को नहीं सॉल्व होता, तो दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना पड़ता है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 10. दैट इज व्हेन अ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस. बस में ब्रेक अप्लाई किया एंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो रिटार्डेशन इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर विथ द माइनस साइन. माइनस साइन उसमें होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? अ बस स्टॉप्स
टेक्स 20 सेकेंड्स टू स्टॉप, मतलब उसका जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। और क्या है, बस में ब्रेक अप्लाई किया है और वो रेस्ट पे आ जाती है 20 सेकेंड्स के बाद, इट मीन्स दैट इट्स फाइनल वेलोसिटी इज व्हाट, जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, तो एस भी निकालना है। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सिंपली वी इज यू इज जीरो, यू निकालना है, प्लस दिस विल माइनस 25, माइनस 25 हो जाएगा, एंड टाइम इज व्हाट, 20 सेकेंड्स, टाइम जो है अपना 20 सेकेंड्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया हम लोगों ने, सो यू इज इक्वल टू 25 इंटू 250 एंड दिस इज जीरो, तो 500 हो जाएगा। सो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, अगर मीटर पर सेकेंड में निकालना है सो डिवाइड बाय 100 कर दो, दैट विल गिव यू 5 मीटर पर सेकेंड। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जस्ट चेक करो कि वैल्यूज अवेलेबल है कि नहीं, यू वी हैव टाइम दिया है 20 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन अपने पास दिया हुआ है, सो माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एंड यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब अगर एक्सेलरेशन को मैं सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला टर्म यूज़ करूंगा तो जो वेलोसिटी का होगा वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड ही होगा, अगर एक्सेलरेशन का मैं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके करूंगा तो मैं यू को 5 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर सकता हूं एंड द आंसर विल बी व्हाट, इन मीटर ओनली, ओके, तो वहां पे कन्फ्यूज नहीं होना, इसके आगे आप खुद सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम द रेस्ट विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 270 मीटर्स इन 3 सेकेंड, सो डिस्टेंस इज 270 मीटर एंड टाइम इज व्हाट, 3 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड्स आफ्टर दिस स्टार्ट्स, मतलब 10 सेकेंड के बाद बॉडी की स्पीड कितनी हो जाएगी वो फाइंड आउट करना हम लोगों को। ठीक है, तो इसको v1 लिख देते हैं हम लोग, सो डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है अपने पास और टाइम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, बिकॉज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, 270 मीटर का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने सेकेंड्स में, 3 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो फॉर्मूला क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास, यू है और टी भी है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और एक बार एक्सेलरेशन मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकी जो वी वन है हम लोग वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फर्स्ट यहां से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, सॉरी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो, सो 270 इनिशियल वेलोसिटी जीरो, सो टाइम कुछ भी हो तो वो जीरो ही हो जाने वाला है, प्लस हाफ ए और टी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो यहां से क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब इसके आगे के सम्स में सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अब सबके हिंट देने वाला हूं। सो एक्सेलरेशन मिल जाएगा हम लोगों को, वेलोसिटी निकालनी है ना, तो अगेन मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, तो फर्स्ट वेलोसिटी निकालनी है तो टाइम जो हो जाएगा मेरा टी वन हो जाएगा, टाइम अपना टी वन हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो वी वन इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो भी वैल्यूज यहाँ से मिलेगा वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और टाइम टी वन ये टाइम लेंगे, बिकॉज ने बोला कि स्टार्ट करने के बाद 10 सेकेंड्स के बाद कितनी स्पीड होगी, तो यहाँ पे ये टी वन की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा और मुझे वी वन मिल जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक हम लोग सिर्फ वही 3 फॉर्मूलेज ही यूज कर रहे हैं उस पर। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग, अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, मतलब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर का एंड 8 मीटर, मतलब दो दो डिस्टेंसेस, लेट्स से S1 एंड S2 ले लिया हम लोगों ने 8 मीटर रिस्पेक्टिवली इन टाइम 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है हम लोगों को एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, सो वी हैव टू डिस्प्लेसमेंट, सो क्लियरली हम लोग को ना दो अलग अलग इक्वेशन यूज करने पड़ेंगे और उससे सॉल्व करना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट का अपने पास दो इक्वेशन है, सो लेट स्टार्ट विद दिस वन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, सो एस 3 मीटर है फर्स्ट केस के लिए, इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, उसका टाइम हम लोगों को पता है 1 सेकेंड प्लस हाफ ए
एंड वन का स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस विल बी थ्री यू प्लस ए बाय टू, यू प्लस ए बाय टू. सो दिस इज इक्वेशन वन. ओके, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस, इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, सो दिस विल बी सिक्स माइनस टू यू, सिक्स माइनस टू यू. लेट से इक्वेशन नंबर वन ये ले लिया मैंने. ठीक है, अब क्या करो, अगेन सेम इक्वेशन यूज करो फॉर द सेकेंड डेटा. सो एस इज वॉट, एट मीटर. इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, टाइम हम लोग का टू सेकेंड्स है, प्लस हाफ ए अननोन है, और टाइम कितना है यहाँ पे टू सेकेंड, सो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा. सो दिस इज एट टू यू, ये कैंसिल हो गया, प्लस टू ए चाहिए तो टू टू से डिवाइड कर दो, सो दैट विल गिव यू फोर यू प्लस ए. सो ए इज इक्वल टू वॉट, फोर माइनस यू. सो वी गॉट टू इक्वेशंस फॉर एक्सेलरेशन. एंड नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर कर दो वन एंड टू, कंपेयर, कंपेयरिंग वन एंड टू यू विल गेट सिक्स माइनस टू यू इज इक्वल टू फोर माइनस यू. सो इसको सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू मिल जाएगी. यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू यू, यहाँ पे यू हो जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा. सो टू मीटर पर सेकेंड, टू मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वॉट, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन निकालना है सिंपल, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर दो. वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. फाइनल वेलोसिटी है कि अपने पास नहीं है, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड में जाने की जरूरत नहीं है. एक्सेलरेशन पूछा तो अपने पास दो इक्वेशन एक्सेलरेशन के पहले से डिराइव करके रखे हुए. सो ए इज इक्वल टू फोर माइनस यू, तो फोर माइनस टू दैट विल बी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या होगा, दो डेटा दिया था हम लोगों को, तो एक से हम लोग का काम नहीं चल रहा था, हमने दो इक्वेशन डिराइव किए और उस इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग ने एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं हम लोग. सी सबने क्या किया, जस्ट क्वेश्चन रीड करो और डेटा कॉपी करो. डेटा कॉपी करना मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी ने उसकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखो, तो आपको समझ में आ गया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. अ कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो पहले वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी 25 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, मतलब उसका जो टाइम लगा उसको इनिशियली 5 सेकेंड, वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी. सो द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड. कार जो है वो क्या कर रही थी, वो रिटार्ड हुई, मतलब उसकी स्पीड स्लो हुई, और स्पीड स्लो होते होते वो क्या हो गया, वो जीरो पे आ गया. तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. कितने सेकेंड्स के बाद, 10 सेकेंड्स के बाद. सी हम लोग को यहाँ पे दो दो टाइम मिल गया, हाँ, एक को टी लिखा है मैंने, एक को टी वन लिखा हुआ है. कैलकुलेट करना द डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल्स बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड. सो इनिशियली जो कार थी वो मूव कर रही थी कितने सेकेंड्स के लिए, 5 सेकेंड्स के लिए. 5 सेकेंड्स के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी. ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, सिंपल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितनी थी 25 और टाइम कितना था 5. सो 25 इंटू 5 दैट इज 125 मीटर. सो इतना डिस्टेंस तो उसने इनिशियली ट्रेवल किया है. अब इसके बाद हम लोग ने ब्रेक लगाई है, और ब्रेक लगाने के 10 सेकेंड्स के बाद वो स्टॉप हो जाती है. तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकेंड ही होगी, और फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो. इनिशियल 25 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस तो हम लोग ने कवर किया है 125 मीटर, और 10 सेकेंड्स लगा उसको. तो सब कुछ डेटा हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका रिटार्डेशन निकाल सकते हैं. सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज कर सकते हैं हम लोग. फाइनल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी वॉज 25 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम, टाइम कितना लगा उसको, 10 सेकेंड्स लगा. सो दिस इज 10 ए इज इक्वल टू 25, और ये माइनस में हो जाना चाहिए, तो a इज इक्वल टू माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज वॉट माई एक्सेलरेशन. सो वॉट विल बी रिटार्डेशन, रिटार्डेशन इज वॉट, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. सो इसका नेगेटिव ले लूंगा, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बहुत सिंपल सम है. लास्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक. ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितने दूर के बाद जाके वो कार रुक जाएगी. पहले तो उसने ट्रेवल किया था, पहले उसने 125 मीटर ट्रेवल किया था जब वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था. ब्रेक अप्लाई करने के तुरंत बाद तो कार रुकेगी नहीं, थोड़ा बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी. तो अगेन डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज़ कर दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अच्छा देखो, ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, हाँ, टू ए एस वाला, बिकॉज ए है, वी है, यू है, सब वैल्यूज है अपने पास. इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 25. उसको स्टॉप होने में कितना लगा टाइम, 10 सेकेंड्स का लगा था जब ब्रेक लगाया था, इसके बाद 10 सेकेंड में स्टॉप हो गई थी.
उसका एक्सेलरेशन कितना है 2.5, टाइम कितना लगा 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ये तो अपना रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन 2.5 है, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव में है, तो ये जो नेगेटिव आंसर होगा सो इसलिए क्या हो जाएगा ये 250, ये माइनस में आ जाएगा, 250 माइनस 2.5 इंटू 50, माइनस 2.5 इंटू 50। अब इसको सॉल्व करूंगा सो क्या आ जाएगा मेरा 125, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो यू विल गेट 125 मीटर, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब इसके बाद दो क्वेश्चन बचते हैं अपने पास, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15। सो ये दोनों होमवर्क आपके लिए एक्सरसाइज है, आप खुद से सॉल्व करो, उसमें अगेन सेम करना है, उसमें डेटा पुट करना है, डेटा पुट करने के बाद देखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, उसमें से कौन से फॉर्मूले में कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि उसने जो डायरेक्टली पूछा हो कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट ना मिल रहा हो, कुछ और मिल रहा हो, तो कुछ और निकाल के हम लोग अगेन वो किसी और फॉर्मूले में यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्या, वही चेक करना है उसमें, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना है, सारे के सारे सम्स रिवाइज कर लो, कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो नाइन्थ की वर्कशीट है अपनी वेबसाइट पे मैंने वर्कशीट अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।